बहुत सारे भाई लोग परेशान है यामा की MT-125 को लेकर। जी हाँ, MT-125 को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो भाई लोग के लिए एक वीडियो बनाते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, जो यामा MT-125 है वो इंडियन मार्केट में आएगी ज़रूर, लेकिन दोस्तों कब तक आएगी, कब तक आ सकती है, एकदम फाइनल डेट क्या है, वो तो भाई यामा वाले अपने खुद ऑफिशियल में ही बता पाएंगे। ठीक है, कोई भी यूट्यूबर आपको ये करेक्ट नहीं बता सकता कि उसी डेट को ये बाइक आ रही है, या फिर इनकी तरफ से कोई आर्टिकल आता है यामा वाले की तरफ से, तो फिर हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इस डेट को ये बाइक आ रही है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जिनको ये लगता है कि भाई वो लोग MT-125 का ही वेट करेंगे कि भैया वो आएगी तो ही हम लेंगे, MT-15 हम लेंगे नहीं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारे पास इतना बजट नहीं है। तो उनके लिए आज की वीडियो प्रॉपर होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये भी बता दूं कि MT-15 का जो प्राइस है वो भी यामा वालों ने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो सबसे पहले वो भाई लोगों के लिए बात कर लेते हैं जो कि MT-125 का वेट कर रहे हैं और उनको MT-15 नहीं लेना है, तो मतलब उसी का वेट कर रहे हैं, तो उनको पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, भाई देखो वेट करना इज़ नॉट गुड थिंग। देखिए, अगर आपके पास कोई और बाइक है आपकी ज़िंदगी चलाने के लिए तो फिर आप वेट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये लग रहा है कि भाई ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि भाई मैं पैसा बचा कर रखा हुआ हूँ और MT-125 आएगी तभी मैं वो बाइक लूँगा, वरना मैं बाइक ही नहीं लूँगा, मैं ऑटो में घूम रहा हूँ, मैं रिक्शे में घूम रहा हूँ। देखो ये चीज़ ना गलत है। देखिए, अगर आप लोगों को कोई आपका मतलब नीड है, आपको एकदम ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर आप MT-15 ले लीजिए थोड़े से पैसे बढ़ाकर, या फिर बाइक फाइनेंस करा लीजिए, या फिर थोड़ी कम बजट की कोई बाइक ले सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों अगर आपके पास कोई बाइक ऑलरेडी है और अगर आपको बाइक शौक के लिए लेनी है, तो फिर आप यामा की MT-125 का जो है वेट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको पहले क्लियर कर दिया। दूसरी चीज़ दोस्तों आपको मैं बता दूं, यामा की जो MT-15 है ये नया मॉडल ब्लैक कलर आप लोग देख पा रहे हैं, ब्लैक कलर में। वैसे भी लोगों को MT-15 बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत बेहतरीन बाइक है, और मुझे लगता है दोस्तों MT-15 है वो इंडियन मार्केट की मोस्ट सेलिंग बाइक हो चुकी है 150 सेगमेंट में। तो बाइक तो आप आँख बंद करके ले सकते हैं अगर आप लोगों को ये बाइक लेना है और अगर आप लोगों का इतना बजट है तो। बाकी दोस्तों बात कर लें इसके प्राइस के बारे में, तो बाइक का जो प्राइस है वो भी बढ़ा दिया गया। लास्ट टाइम तक ये बाइक 1,63,400 रुपीज़ के आसपास की एक्स रूम प्राइस हुआ करती थी, लेकिन दोस्तों अब 1,000 रुपये बढ़ा के आपको ये ऑन रोड मतलब एक्स रूम प्राइस मिलेगी अराउंड 1,64,300 रुपीज़ के आसपास की है एक्स रूम प्राइस हो गई है। मतलब 1,000 रुपये जो बाइक का प्राइस है वो बढ़ चुका है। लास्ट टाइम तक 1,96,000 रुपये के आसपास की आपको ये ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती थी, लेकिन अब 1,97,000 रुपये के आसपास की आपको बाइक जो है ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों देख पा रहे जो ब्लैक कलर है उस कलर में ये बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और आपको बता दूँ कि जो ब्लैक कलर उसका जो प्राइस है वो सबसे कम है। बाकी इंजन स्पेसिफिकेशन बाकी चीज़ें आप लोगों को इस बाइक के बारे में पता ही है कि फ्रंट में आपको बाइक में अपसाइड डाउन यानी कि USD फॉक्स सस्पेंशन देखने को मिलते हैं जो कि बहुत अच्छे सस्पेंशन है। बाइक में आपको सिंगल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। फ्रंट में बाइक में आपको छोटी छोटी LED DRL लाइट मिलती है। फ्रंट में आपको बाइक में फुली LED जो प्रोजेक्टर लाइट है वो भी आपको बाइक में देखने को मिल जाता है। तो बाइक तो बहुत अच्छी है, टॉप नॉच बाइक है। और अगर दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आपका बजट है तो आपको MT-15 आग बन करके लेनी चाहिए। और 125 का देखिए ऐसा है कि जब तक यामा की तरफ से कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ जाती तो हम कह नहीं सकते कि भाई ये बाइक इस डेट में आ रही है या फिर अब आ रही है तब आ रही है, बस हम यही कह सकते हैं। तो देखिए जो है आपको मैं डायरेक्ट क्लियर कर दिया हूँ, बाकी दोस्तों आप लोगों के ऊपर है फिर आप लोगों को वेट करना या फिर MT-15 लेना है। और अगर आपका बजट नहीं है तो फिर मार्केट में और भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप उन बाइक के साथ में भी जा सकते हैं। बाकी दोस्तों कौन कौन यामा की MT-125 का वेट कर रहा है वो भी कमेंट करना, और कौन कल MT-15 लेने जा रहा है भाई वो भी ज़रूर कमेंट करके बता देना। बाकी आप लोग मुझसे और बात करना चाहते हैं तो सेम नाम इंस्टाग्राम में द समीर ब्लॉग्स के नाम से मिल जाऊंगा, आप लोग बात कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।